ओके द क्वेश्चन इज अ स्टील बार 4 मीटर लॉन्ग 35 mm वाइड एंड 20 mm थिक इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 30 kN इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ फाइंड द चेंज इन द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द बार ऑल्सो कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बार ओके टेक ई इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड म्यू इक्वल्स टू 0.3 ओके तो अगर इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करें तो वी आर हैविंग अ प्रिज्मेटिक बार ओके लेट मी ड्रॉ फर्स्ट वी आर हैविंग अ बार लाइक दिस ठीक है इसकी जो लेंथ है 4 मीटर्स ओके इसकी ये जो विड्थ है दिस विड्थ इज 35 mm ओके एंड इसकी ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज 20 mm ओके तो ये सारी डिमेंशंस है इस बार की ऑलराइट ओके तो इस पे एक एक्सियल पुल लग रहा है 30 newtons का ठीक है तो इस पे एक्सियल पुल लग रहा है 30 kN का ओके 30 kN का ठीक है तो हमें पता है इस पुल के कारण क्या होगा इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी लेकिन इसकी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो आफ्टर डिफॉर्मेशन इसकी लेंथ है जो बढ़ जाएगी ठीक है इसकी लेंथ सपोज करो इतनी हो जाएगी लेकिन इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी थिकनेस एंड इसकी जो विड्थ है वो दोनों चीजें डिक्रीज कर जाएंगी ठीक है तो ये इसकी फाइनल शेप हो जाएगी आफ्टर द डिफॉर्मेशन तो इस डायग्राम में देख सकते हैं हम कि इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो चुकी है लेकिन इसका इसकी ये जो विड्थ और थिकनेस है वो डिक्रीज हो चुकी है ऑलराइट तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया है कि व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ व्हाट इज द चेंज इन ब्रेथ एंड व्हाट इज द चेंज इन थिकनेस ओके तो हमें उसके बाद में इसका फाइनल वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बार ओके ऑलराइट तो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ठीक है सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं हमें हमारे पास देखो लोड की वैल्यू गिवन है लोड इज 30 kN ठीक है हमें इसकी विड्थ एंड इसकी थिकनेस पता है तो वी कैन फाइंड द एरिया ठीक है हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज 20 × 35 ठीक है 20 × 35 करके आपके पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ऑलराइट ठीक है तो ये आपके पास इसे अभी कैलकुलेट नहीं करते तो इसे इतना mm स्क्वायर लिख लेते हैं ऑलराइट तो फ्रॉम दीज टू वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ठीक है हमारे पास स्ट्रेस सिग्मा आ जाएगा एज पी अपॉन ए ठीक है तो 30 kN है तो इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है अपॉन 20 × 35 ठीक है तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गई इन न्यूटन पर mm स्क्वायर तो इसे भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा बिकॉज हमसे हमें एक्चुअली स्ट्रेस कैलकुलेट करनी ही नहीं है ठीक है हमें जो फाइंड करना है दैट इज द चेंज इन लेंथ ठीक है सबसे पहले चेंज इन लेंथ को सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास इतनी स्ट्रेस आ गई ठीक है उसके बाद अगर हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है तो इसे अगर मैं चेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है तो यहां से अभी मैं स्ट्रेन फाइंड आउट कर लूंगा ठीक है स्ट्रेन ई ठीक है अभी यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये स्ट्रेन कौन सी है दिस इज द लीनियर स्ट्रेन जो कि लेंथ के अलोंग है ठीक है अभी क्योंकि हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो दिस इज द लीनियर स्ट्रेन जो कि लेंथ के अलोंग लग रही है तो इसे मैं ई एल लिख रहा हूं ठीक है दिस इज ई एल ठीक है तो स्ट्रेस की वैल्यू डाल देते हैं 30 × 10⁻³ अपॉन 20 × 35 ठीक है डिवाइडेड बाय कैपिटल ई इज दिस 2 × 10⁵ ठीक है तो ये मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई ओके अच्छा अभी देखो हमें पता है कि स्ट्रेन क्या होती है स्ट्रेन इज बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक है ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू मेरे पास है 4 मीटर्स ठीक है तो यहां से मैं अगर ओरिजिनल लेंथ को इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा ठीक है तो मतलब एक इनडायरेक्ट वे में हमने क्वेश्चन किया है हमने क्या किया सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट कर ली ठीक है स्ट्रेस के बाद हमने स्ट्रेन फाइंड आउट की है ठीक है स्ट्रेन से बाद में हमने चेंज इन लेंथ निकाल लिया ठीक है तो अभी चेंज इन लेंथ के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है
और हम स्ट्रेन को भी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि स्ट्रेन भी हमारे लिए आगे काम आएगी। ठीक है, तो लेट मी कैलकुलेट स्ट्रेन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं लीनियर स्ट्रेन को यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन के लिए ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो ठीक है, दिस इज 3 × 10³ डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 35 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10⁵। ओके, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 2.14 × 10⁻¹। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं चेंज इन लेंथ इज लीनियर स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 2.14 × 10⁻¹। ठीक है, इसे मैं लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेंथ क्योंकि हमारी मीटर्स में है तो हम इसे 10³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू एमएम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लीनियर स्ट्रेन है मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ विद दिस 4000। ठीक है, तो ये मेरे पास चेंज इन लेंथ आ गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट इससे कंप्लीट हो जाता है। चेंज इन लेंथ हमारे पास आ गया 0.857 mm। ठीक है, तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो मेरे पास ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो डेल्टा एल मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा एल इज 0.857 mm। ओके, उसके बाद मुझे चेंज इन ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट मी रब दिस फर्स्ट। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो अभी हमें चेंज इन ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो चेंज इन ब्रेथ फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेथ की डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी है। ब्रेथ, देखो ब्रेथ इज दिस। ठीक है, तो क्योंकि जो लीनियर स्ट्रेन है वो तो इस डायरेक्शन में थी, जो हमने ई एल फाइंड आउट किया है, ई एल तो हमारा इस डायरेक्शन में था जो लेंथ के अलोंग था। ठीक है, अभी ये जो डायरेक्शन है दिस इज अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलो या लेटरल डायरेक्शन बोलो, तो लेटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन कितनी है। तो यहां से आपको क्लियर होगा पॉइजन रेशियो की जो डेफिनेशन थी, पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन होती है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। इट इज द लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन क्योंकि अभी हमें ब्रेथ के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हम इसे ई बी लिख लेते हैं। ठीक है, ई बी, ऑलराइट। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा कि जो पॉइजन रेशियो है म्यू, दैट इज ई बी अपॉन ई एल। ई बी इज द लेटरल स्ट्रेन एंड ई एल इज द लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो हमारे पास अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो ई एल हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, ई एल इज दिस। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 0.3, तो यहां से हमारे पास ई बी की वैल्यू आ जाएगी। ई बी इज म्यू इंटू ई एल। ठीक है, तो म्यू इज 0.3, ई एल इज 2.14 × 10⁻⁴। ओके, तो 2.14 × 0.3 ये आपके पास आ जाएगा 0.642 × 10⁻⁴ mm। अच्छा, अभी यहां पे एक बात और नोट करने वाली है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो लीनियर स्ट्रेन है अगर ये पॉजिटिव है तो दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों की नेचर ऑपोजिट होती है कि मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है तो दिस विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पे हम आगे एक माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो दिस नेगेटिव साइन विल इंडिकेट द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इतना ही इंडिकेट कर रहा है कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो दिस इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अभी यहां पे एक बात और नोट करने वाली है कि जितनी हमारे पास ये स्ट्रेन होगी विड्थ की, उतनी स्ट्रेन हमारे पास थिकनेस के लिए भी आएगी, क्योंकि हमने पहले भी डिफाइन किया था कि दिस इज द लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन हमारे पास दोनों तरह से ही बन रही है, विड्थ वाइज भी बन रही है एंड थिकनेस वाइज भी बन रही है। ठीक है, तो जितना हमारे पास ई बी आया है, अगर मैं दूसरी थिकनेस की स्ट्रेन को ई टी लिखता हूं तो ई टी भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी स्ट्रेन कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर स्ट्रेन की डेफिनेशन लगाएं, ठीक है, लेट मी रब दिस। ठीक है, अगर हम यहां पे स्ट्रेन की डेफिनेशन लगाएं कि जो ई बी है, ई बी ये क्या होगा, इट विल बी चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। ठीक है, तो चेंज इन विड्थ हमें चेंज इन विड्थ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इट विल बी ई बी इंटू बी। ओके, ई बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इट इज −0.642 × 10⁻⁴ × बी। बी इज हाउ मच, बी इज 35। ओके, तो 35 यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा एस इनटू
10^-4, ठीक है, तो इट विल बी 2.24 × 10^-3 mm, ठीक है। तो चेंज इन विड्थ आपके पास ये आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चेंज इन थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो वो भी सेम ही हो जाएगा कि ई टी इक्वल टू चेंज इन थिकनेस डेल्टा टी अपॉन टी, ओके। तो यहां से डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा ई टी इंटू टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी था, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन विल ओनली इंडिकेट कि ये जो चेंज है वो नेगेटिव है, मींस वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम चेंज इन थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो × 20, ओके, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा ई टी इंटू टी करके, लेट मी कैलकुलेट इट, ठीक है, 0.642 × 20, ऑलराइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2 × 10^-3 mm, ठीक है। तो इससे हमारे पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन ब्रेथ एंड चेंज इन थिकनेस हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम बेसिकली आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ठीक है। तो अभी हमें इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो, हमें पता है कि ये जो शेप थी ये एक प्रिज्मेटिक बार थी, ठीक है, तो इसमें एक तो एक लेंथ की डायरेक्शन है, ठीक है, एक थिकनेस की डायरेक्शन है और एक विड्थ की डायरेक्शन है। लेंथ की डायरेक्शन में हमारे पास ई एल स्ट्रेन है, विड्थ की डायरेक्शन में हमारे पास ई बी स्ट्रेन है, एंड थिकनेस की डायरेक्शन में हमारे पास ई टी स्ट्रेन है, ठीक है। क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही थी तो ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे भी ये नेगेटिव आएगा, ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इन स्ट्रेन का सम, ठीक है। इन स्ट्रेन को हम अल्जेब्रिकली एड कर लेते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर साइंस, ठीक है। साइंस हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज में है, ठीक है, तो हमें पता है जो लीनियर स्ट्रेन आई थी हमारे पास, लीनियर स्ट्रेन ई एल की वैल्यू हमें पता है, ई एल हमने अभी कैलकुलेट किया था, ओके, लेट मी फाइंड द वैल्यू। ई एल हमारे पास आया था, यस, ई एल वॉज 2.1 × 10^-4, ओके, तो ये हमारे पास पॉजिटिव था, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद ईबी इज −0.642 × 10^-4 एंड ईटी इज ऑल्सो −0.642 × 10^-4, ठीक है। तो इन सभी को कैलकुलेट करके हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी पहले, ठीक है। तो लेट मी सॉल्व दिस, ये आपके पास आ गया 2.1 − 0.642 −0.642, ओके। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा एस 0.816 × 10^-4 mm, ओके। तो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से व्हाट वी कैन फाइंड इज, हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम से बाद में वी कैन फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, ओके। तो सबसे पहले अभी हम चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डेल्टा वी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा वी अपॉन वी क्या होगा, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा ईवी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ईवी की वैल्यू हमें पता है, इट इज 0.816 × 10^-4, ओके। एंड वॉल्यूम हम इसका फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि इसकी लेंथ 4 है, ठीक है, इसकी विड्थ 35 है एंड इसकी थिकनेस 20 है, ठीक है। तो 4 को मैं 4000 लिख रहा हूं बिकॉज 4 मीटर्स में था, ठीक है। सिमिलरली इंटू 35 × 20, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इट इज 0.816 × 10^-4 × 4000 × 35 × 20, ओके। तो ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया एज 228.48 mm³, तो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो नाउ वी आर इन दिस स्टेज टू फाइंड द
फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम वो होता है आपके पास चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम की भी वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज 228.48, ठीक है, प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम इज दिस 4000 इंटू 35 इंटू 20, ओके। तो इसमें हम ये ओरिजिनल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसका स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड किया है, ठीक है। तो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑलराइट, ठीक है। तो हमने इसमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द बार भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, ऑलराइट, ठीक है। तो आपको एक तो स्ट्रेन्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइजन रेशो का कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और सेकंडली आपको थोड़ा लॉजिकली प्रोसीड करना आना चाहिए कि आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।